हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जेपीवाई आईएनआर के वीकली व्यू के बारे में, कि जो हमारा थर्ड वीक ऑफ मे है उसके रिगार्डिंग जो है वो हम उसके सपोर्ट और टारगेट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करें उससे पहले जेपीवाई आईएनआर के चार्ट के ऊपर मुझे कुछ बहुत ही बेहतरीन अच्छे से कुछ संकेत मिल रहे हैं, कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं कि ये जो है वो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, कि इसके लिए जो है वो हम पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे की जो बात है वो हमारे सपोर्ट और टारगेट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो जेपीवाई आईएनआर के अंदर आपको अब ध्यान रखना है कि अगर जेपीवाई आईएनआर जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म का, मेरा मतलब है 2-4-6 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, मीडियम टर्म, लॉन्ग टू मीडियम टर्म की अगर हम बात करें, तो ये जो जेपीवाई आईएनआर है वो फाइनल आपको सपोर्ट ध्यान में रखना है 0.6980, ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, 0.6980 ये सपोर्ट से आप जो है इसके अंदर बहुत ही बढ़िया जो रैली है वो देखने को मिल सकती है, उसके मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अब ये जो रैली है वो लगभग आने वाले दिनों के अंदर आपको 0.7450, ठीक है, ध्यान से सुनना, 0.7450 से लेके 0.7500 के जो लेवल है वो हमें जेपीवाई आईएनआर के अंदर आने वाले 2-4 महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया कि सपोर्ट फाइनल आपको ध्यान में रखना है, ये सपोर्ट से आपको ऊपर की अगर आप बाइंग पोजीशन में हो तो आप जो है वो 2-4 महीने के लिए ये सपोर्ट से आप काम कर सकते हो। कौन सा सपोर्ट बताया मैंने, तो 0.6980 का लेवल, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो हमें 0.7450 से लेके 0.7500 के जो लेवल है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसके लिए जो है वो मैंने आपको बताया। तो अब आप जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि उसके सपोर्ट क्या रहेंगे और उसके टारगेट क्या रहेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर उसके बारे में। तो जेपीवाई आईएनआर के लिए जो पहला जो सपोर्ट है अब नेक्स्ट वीक के लिए वो है 0.7060 का लेवल, ओके, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर जेपीवाई आईएनआर। और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि ये सपोर्ट को जो है वो जेपीवाई आईएनआर जो है वो टच करके, या तो यही सपोर्ट से वो सीधा बाउंस हो सकता है और ऊपर के जो मैंने लेवल बताए वहां तक जाने की उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, मतलब लगभग 80-90% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर के जो लेवल है जो हमने अभी डिस्कस किए वो जा सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर कोई ऐसी न्यूज आ जाता है, कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो बात अलग है, बाकी अभी जो चार्ट पे लग रहा है वो ऊपर की जो चीज है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको इसके अंदर 0.6980 का जो मैंने अभी ऊपर भी डिस्कशन किया स्टार्टिंग में, इट्स अ फाइनल सपोर्ट फॉर जेपीवाई आईएनआर फॉर नेक्स्ट वीक, ऑल्सो फॉर 2-3 मंथ, ओके, ये मैंने बात की कि ये जो फाइनल सपोर्ट है नेक्स्ट वीक के लिए और साथ में आने वाले 2-3 महीने के लिए, अगर ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं होता है देन देर इज हाई प्रोबेबिलिटी इन द जेपीवाई आईएनआर वी कैन सी द लेवल 0.7450-0.7500 इन नेक्स्ट 2-3 मंथ, ठीक है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर हम जो है वो ये लेवल को देख सकते हैं। बट इफ दिस सपोर्ट कैन ब्रेक एंड सस्टेन बिलो दिस प्राइस, अगर ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक होता है, इसके नीचे जो है वो ये जाने की कोशिश करता है, तो आपको तुरंत जो है वो लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाना चाहिए, और जब ये वापस फिर से इसके ऊपर आए, ये लेवल के ऊपर, तब तो
तब आपको बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा चार्ट का रीडिंग है। ठीक है, मैं कोई आपको बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ये मैं जस्ट अपना व्यू बता रहा हूँ आपको जो मुझे चार्ट पे लग रहा है। अब आगे की बात कर लेते हैं। अगर ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी जो है वो अभी मुझे बहुत ही कम लग रही है, ना के बराबर लग रही है, बट फिर भी अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको 0.6910 से लेके 0.6880 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन से लेवल? 0.6910 से 0.680 के लेवल जो है वो आपको JPY INR के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब टारगेट की बात कर लेते हैं कि उसके टारगेट क्या हो सकते हैं। वो तो पहला जो टारगेट है JPY INR के लिए नेक्स्ट वीक के लिए वो है 0.7110 का लेवल। ठीक है, 0.7110 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर द JPY INR फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर ये रहने की कोशिश करता है तो आपको इसके अंदर 0.7190 के जो लेवल है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये जो लेवल है वो आपको फाइनल लेवल के लिए ध्यान में रखना है। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर ये जो लेवल है वो सस्टेन करता है 0.710 लेवल के ऊपर, अगर JPY INR जो है वो क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आपको बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है, और फिर धीरे धीरे ये जो रैली है वो लगभग आपको 0.7230 से लेके 0.7300 की जो लेवल है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है, बट उससे पहले 0.7190 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हर्डल फॉर द JPY INR। इफ दिस रेजिस्टेंस 0.7190 कैन अचीव्ड बाय द JPY INR, देन आफ्टर वी कैन सी द लेवल 0.7230 टू 0.7300 प्राइस। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो बात थी वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और वीडियो अगर आपने शायद स्किप किया हो तो स्टार्टिंग से फिर से सुनना, तो आपको पता चलेगी क्या क्या हमने बात की थी, और वीडियो 2 से 3 बार सुनना, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बहुत ही अच्छी सी एक चीज़ है जो मुझे लगी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपका वीडियो से ये जो हेल्प मिलता हो तो आप जो है वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे और भी आपके जैसे दोस्तों की हेल्प हो सके। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के करेंसी और साथ में कॉमोडिटी के जो वीकली व्यू है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।